नमस्कार, मैं हूँ विस्मय अलंकार और अभी मैं ये जो इलाका है कुद के आसपास का हज़ारीबाग का मोहडर और मसरातू ये इलाका कहलाता है और इस घर के मालिक क्या नाम हुआ आपका? होरिल साव जी हैं और इनके घर में एक अजीबोगरीब घटना यहाँ पे हो रही है। ये आप देख रहे हैं कि मिट्टी से घेर दिया गया है और पानी रखा गया है और ऊपर से ही ये गर्म लग रहा है और बिल्कुल अगर पानी को अगर आप महसूस करें तो लगभग ये 50 डिग्री से ऊपर अभी इसका तापमान होगा। अब ये अचंभित होने वाली बात है कि आखिर ये गर्म कैसे हो रहा है और ये पूरा जो इनका घर है, घर में ये सीढ़ी के नीचे ये जहाँ पे ये जो क्षेत्र है वो लगातार गर्म हो रहा है। अब इस घटना के बाद लोग बड़े परेशान हैं, घर वाले और लोग अचंभित हैं कि आखिर इस ख़ास जगह पे ही धरती क्यों गर्म हो रही है। कुछ देर पहले अभी यहाँ पे सरकारी अधिकारी आए थे और उन्होंने मिट्टी का वो चारों तरफ एक बना दिया है और उसमें पानी डालकर छोड़ दिया है कि वो रात भर देखेंगे और फिर कल जो इसके विशेषज्ञ हैं वो विशेषज्ञ यहाँ पे आकर ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस कारण से ये गर्म हो रहा है। आसपास के लोग देख सकते हैं यहाँ काफ़ी भीड़ है, घर को बंद कर दिया गया है और लोग यहाँ गांव के हैं जो यहाँ पे हैं और इस घटना से अचंभित हैं कि आखिर हो क्या रहा है। घर के मालिक हैं, क्या हुआ है साहु जी? 4 बजे सुबह से जब ये मेरा भाई जब आया मैदान करके लैट्रिन करके आया तालाब से तो खाली पैर में गया तो पैर दिया तो पहला तो गर्म लगा, दूसरा पैर दिया तो फिर गर्म लगा तो फिर बैठ गया तो पूरा लगा इसको कि हम डर गए। फिर हम लोग हल्ला किए, फिर प्रशासन आए, सीओ साहब आए, एसडीओ साहब आए, पूरे प्रशासन आए। उसके बाद वो मिट्टी जो घेराव करके पानी उन्हें डलवा करके गिए हैं, पानी उन्हें डलवा करके गिए हैं, उसके बाद बोले कि हम सुबह 7 बजे आकर के फिर इसको जांच पड़ताल कल ये करेंगे। हाँ, इस गांव के आप हैं, क्या लग रहा है? पहले मेरा गांव तो पसे है लेकिन सुनने के बाद हम लोग अभी आए। अच्छा, आप दूर गांव से आए? हाँ, पसे बगल में, बगल से हम आए सुनने के बाद कि पता चला कि मसरातू गांव में सीढ़ी के बगल में पानी गर्म हो रही है तो हम लोग भी चल के देखने आए कि देखे तो सही में गर्म पानी है। अब गर्म पानी देखे भी हम लोग सबने जल के, कैसे गर्म हो गया ये तो पता नहीं, कैसे गर्म हम लोग पता नहीं, हम लोग नहीं बता पाएंगे। अंदाजा है आप लोग? पहली बार हुआ है सर ऐसा, तो दोबारा कभी ऐसे इस एरिया में हम लोग के गांव में ऐसा कभी केस नहीं हुआ है। गंधक हो सकता है, फर्स्ट टाइम हुआ है। साहब बोले कल एसडीओ बीडीओ साहब आए थे, बोले कि कल इसका वैज्ञानिक आएंगे तो कल इसका शोध होगा, उसके बाद पूरी जानकारी मिल पाएगी। अभी ऐसा कुछ नहीं, बस हम लोग देखने आए, देखे गर्म है और सुनने के बाद ही हम लोग आए, जानकारी पहले नहीं था, बाद में। गाँव में तो कभी कभी बड़ी बात हो जाती है ना कि आज तक तो ऐसा प्रेत ये वो, आज तक ऐसा कोई बात नहीं, आज कम से कम यहाँ के लोग नहीं, आज तक ऐसा कोई बात नहीं। देखिए, एक चीज कम से कम इस गांव की अच्छी है कि इसको दैवीय चीज़ों से नहीं जोड़ा गया है और भूत प्रेत से नहीं जोड़ा गया है। ये लोग भी मानते हैं कि ये कोई प्रकृति घटना है और ये क्या है इसके लिए जो इसके विशेषज्ञ होगा कि आखिर किन कारणों से ज़मीन गर्म हो रही है, क्या अंदर गंधक के स्रोत हैं या फिर मिथेन का कुछ भंडार है यहाँ पे, तो इन सब चीज़ों को जो है कल जो इसके विशेषज्ञ हैं वो बुलाए गए हैं। सरकारी अधिकारियों ने कहा है कि तब तक जो ये जगह है जहाँ ये गर्म हो रहा है वहाँ पे पानी डालकर और चारों तरफ मिट्टी का एक चारों तरफ से घेर दिया गया है ताकि पानी बहे नहीं और देखा जा रहा है क्या असर होता है। हालांकि अभी भी पानी जो है वो काफ़ी गर्म है। विस्मय अलंकार लगातार .in के लिए। न्यूज़ अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार .in के साथ।